अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज का ये जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एक इमेज को हम एक कार्टून इमेज में कन्वर्ट करते हैं फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन हम आज जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो है फोटोशॉप। तो इस इमेज को मैंने फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लिया। अब हम यहाँ से तकरीबन 3 से 4 टूल्स के इस्तेमाल के ज़रिए हम इसकी कार्टूनिक फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा पेन टूल। पेन टूल के ज़रिए से हम इसकी पहले जैसे ये हेयर्स हैं इसकी हम आउटलाइन बनाते हैं और फिर हम इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों की आउटलाइन बनाएंगे। तो शुरू के जो कुछ मिनट्स हैं जब मैं रिकॉर्डिंग पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर मैंने चलाया था तो उसकी कुछ फ्रेम सेटिंग ठीक नहीं हो पाई, इसलिए जो शुरू के कुछ मिनट्स हैं शायद उसमें आपको थोड़ा सा जर्की सा लगे, जैसे कि रुक रुक के जैसे ये चल रहा है। तो ये तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के बाद ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैंने फ्रेम रेट्स सेट कर लिए थे। तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रेस करें। ओके, तो ये जो ट्रेसिंग वाला एरिया है इस एरिए को आप लोग जैसे सब जानते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ कर गए उनको भी पता है कि किस तरह से पेन टूल से ट्रेसिंग की जाती है। तो इस एरिए को मैं तेज़ी से गुजार दूंगा फास्ट फॉरवर्ड करके। आउटलाइन बनाने के बाद हम लोग जहाँ से स्टार्ट किया था पेन टूल को वहीं से क्लोज करने के बाद हम लोग एक ब्रश लेंगे और ब्रश को हम लोग इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प एजेस वाला ब्रश लेंगे और उसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेंगे। ये देखें, जैसे मैंने ब्रश का साइज़ सेट कर लिया, इसके बाद हम लोग ठीक है ये एजी वाला ब्रश ठीक है, इसके बाद हम लोग पेन टूल पे वापस क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके इसको स्ट्रोक पाथ पर क्लिक कर देंगे। स्ट्रोक पाथ पर क्लिक करने के बाद मैंने जो न्यू लेयर ली हुई थी उस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो वो जो पाथ बना हुआ था मेरे हेयर्स का वो पाथ रह जाएगा और जो ऊपर पेन टूल से जो सिलेक्शन मार्क हुई हुई थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक आउटलाइन बन चुकी है बालों की। इसी तरह से अब देखें हम लोग एक और ब्रश लेंगे और एक और ब्रश जो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल का होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने पाथ को थोड़ा सा ज़्यादा मोटा कर लिया। अब यहाँ से देखें हम लोग इसको ओपेसिटीज की कम करके देख सकते हैं कि हमारी आउटलाइन ठीक बनी है या नहीं बनी। अब इसके बाद एक और न्यू लेयर लेंगे और वो लेयर जो है वो हमारे आउटलाइन वाला जो हमने पहले पाथ बनाया था उस आउटलाइन से निचली लाइन पर होनी चाहिए, यानी कि उसे नीचे होनी चाहिए जो नई लेयर। और उस लेयर के अंदर हम लोग बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में हम लोग कॉपीज पर कलर्स करते थे, इनके बालों में भी हम इसी तरह आउटलाइन के अंदर कलर शुरू कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो इसमें भी आप लोग वही शार्प एज वाला ब्रश लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेंगे और जिस तरह के रंगों के आप बाल चाहते हैं जो कि तस्वीर में जिस तरह के थे तकरीबन उसी तरह के कलर से रिलेटेड हेयर्स का कलर लेकर तो हम ब्रश के ज़रिए इसके अंदर कलर कर लेंगे। इस तरह से हमने बालों के अंदर कलर कर लिया। अब जो कलर करने के बाद हमारे पास जो मेन चीज़ होती है कार्टून के अंदर वो होते हैं उनके शेड्स होते हैं। तो शेड्स को हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से शेड्स दे सकते हैं, जैसे हेयर्स के अंदर शेड असल में होता है लाइट्स एंड कहाँ कहाँ लाइट पड़ रही है, कहाँ कहाँ आपका शेडो आ रहा है, इस चीज़ को जो है वो हम यहाँ पर शेड्स कहते हैं। तो ये शेड्स जो हैं ये आपने बहुत ही एहतियात से देने होते हैं और इसकी जितनी ज़्यादा डिटेल आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो जैसे ये हेयर्स हैं इसके अंदर मेरे पास अब ब्रश टूल भी है मेरे पास और काफ़ी सारी और ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं, जैसे कि पेन टूल का इस्तेमाल कर लूँ या कुछ और कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रश टूल के ज़रिए ही इसके हेयर्स के ऊपर शेड दूँगा। तो ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी शेडिंग करते हैं। आप लोग चाहें तो ब्रश का स्टाइल भी कोई और रख सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट ब्रशेस आपके फ़ोटोशॉप के अंदर दिए होते हैं उन्हीं में से कुछ यूज़ करना तो कर लें, अदरवाइज़ इंटरनेट के अंदर से आप बेतहाशा अच्छे अच्छे हेयर्स के भी ब्रश आपको मिल सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर मैं अब वो नहीं यूज़ कर रहा, जो फ़ोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट
ब्रशेज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर कुछ शेड्स दूंगा, तो देखते हैं कैसे देते हैं। अच्छा, ये जो शेड्स हम लोगों ने देने हैं ये भी हमने एक अलग लेयर में देना है, जो कि हमारी आउटलाइन के तो नीचे होगी, लेकिन जो नीचे अभी अभी हमने कलर किया था बालों में उस लेयर से ये ऊपर होगी। ठीक है, तो हम बालों में शेड्स दे चुके हैं, अब हम इसकी आईब्रोज बनाएंगे। और अभी बालों के शेड्स इतने ज़्यादा ठीक नहीं है, वो मैं बाद में ठीक कर लूँगा, थोड़े से एंडिंग में जाके हम लोग इसकी रीटचिंग करेंगे। जब रीटचिंग करेंगे तो उसमें इनको हम फाइनलाइज करते हुए थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो ये आईब्रोज के लिए मैंने एक और ब्रश इस्तेमाल किया है, ये देखें, ये ब्रश ये भी फोटोशॉप के अंदर डिफ़ॉल्ट ही है। इस टाइम में जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है CC 2017। इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट ब्रश है, इसकी मदद से ही हम एक आईब्रोज का डिज़ाइन बनाएंगे। आईब्रोज की भी फाइनलाइजेशन जो है वो हम तकरीबन एंड में जब रीटचिंग कर रहे होंगे उस वक्त देख लेंगे दोबारा से, अभी के लिए हम लोग इसको इसी तरह से बना रहे हैं। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें मैं न्यू लेयर्स पर बना रहा हूँ और जो ओरिजिनल इमेज है वो निचली लेयर पर मौजूद है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए जो भी आपने बनाना है वो हमेशा नई लेयर पर ही बनाना है। ये वाला ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगनर लोगों के लिए नहीं है, तो इसलिए जो लोग बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फोटोशॉप नहीं जानते उन लोगों के लिए शायद ये डिफ़िकल्ट हो समझना कि लेयर्स क्या हैं और पेन टूल कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं या जो हमारे से स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, उनको पता है सारा कुछ लेयर्स का क्या हिसाब किताब होता है। और इसी तरह बस आप लोगों ने लेयर्स एंड पेन टूल्स को आईब्रोज बनाने के बाद अब मैं इसकी नोज़ की आउटलाइंस बनाऊंगा, जो कि मैं पेन टूल की मदद से बनाऊंगा। खाली ब्रश से बनाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको पेन टूल की मदद से बनाएंगे और इसमें हम प्रेशर सेंसिटिव वाले ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर सेंसिटिव ब्रशेस का आप लोगों को पता ही होगा कि जो एक साइड से थोड़े से बारीक और दूसरी साइड से भी बारीक लेकिन दरमियान से थोड़े से मोटे होते हैं। और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने हेयर्स में आउटलाइन बनाई थी उसी तरह हम इसको राइट क्लिक करके करेंगे और स्ट्रोक पाथ पर क्लिक कर देंगे एंड स्टिमुलेट ब्रश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन ये ब्रश क्योंकि प्रेशर सेंसिटिव वाला नहीं था, देखें, तो ये उस तरह से नहीं हो पाया, तो इसलिए हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं एक दफ़ा एंड दोबारा से पहले वो ब्रश सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक करके। ये प्रेशर सेंसिटिव वाला हमने ब्रश सेलेक्ट कर लिया एंड अब हम पेन टूल से राइट क्लिक करके दोबारा से स्ट्रोक पाथ पर क्लिक करेंगे। और ये देखें, इसके जो दोनों एजेस हैं वो बिल्कुल लाइट हैं और दरमियान से जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी डार्क बन गई है। इसी तरह हम लोगों ने इसके बाकी सारे शेड्स भी पेन टूल, कुछ शेड्स पेन टूल की मदद से और कुछ शेड्स हमने ब्रश टूल की मदद से बना लेने हैं। और पूछ सकते हैं, मैं इसका एक फोल्डर बनाकर सबसे पहले इसको सेव कर लूँ, क्योंकि अपनी फाइल को हमेशा सेव कर लें, कोई पता नहीं होता किसी वक्त आपकी क्रैश कर सकती है फोटोशॉप की किसी वजह से भी फाइल, इसलिए सेव कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसको फॉरवर्डली तेज़ी से करता हूँ आगे, मुख्तलिफ जगहों से ट्रेसिंग करूँगा एंड कुछ पेन टूल से कुछ ब्रश से, तो जहाँ से आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये जगह कैसे आपने किया और एग्जैक्ट वहाँ पर उसका टाइम एंड सेकेंड्स लिख कर कमेंट कर दें, तो मैं वो आपको गाइड कर दूँगा। We'll be right back.
रंग कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी अंबर लाल गुलाल, ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है, आ जा रे मोरे सैया आ जा रे मोरे रसिया आ जा। बादल में से चंद्रमा मुझे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी जान पूछने पवन चकोरे आए, ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है, आ जा रे मोरे सैया आ जा रे मोरे रसिया आ जा। कभी हरा गुलाबी रंग दे,
स्टूडियो सीजन 10। ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, अकेले मैं तुझसे मिला तो कहेगा, अकेले मैं तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा। तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या। तेरे पास यादों का मेला रहेगा, तू लोगों में रहकर अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या। दिल दे बंद जेड़े होंदे प्यास प्यार दे, हर दम सजना ते जिंदड़ी वार दे, हर दम सजना ते जिंदड़ी वार दे। ओ वेखी हो
आजा मैं तेरे संग चलूं, तू आजा मैं तेरे संग चलूं, सतरंगी के लेके रंग चलूं, सतरंगी के लेके रंग चलूं। लठे दी चादर उत्ते सलटी रंग माहिया, आबो सामने आबो सामने, कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। लठे दी चादर उत्ते सलटी रंग माहिया, आबो सामने आबो का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या जैसे मौजे सबा
शिकन ऐ जाने मन जाने बहारा Just
रात न जाइए तन दा मास नैना दिया सीखा भुन कबाब बनाइए दिल कहता दिल भर नू मिलिए की सुगा दिल जाइए तन दा मास नैना दिया सीखा भुन कबाब बनाइए हर रंग विच रंग विच रंग विच रंग विच रंग जिंदड़ी रंग जिंदड़ी रंग नहीं लबने बीबा तीन रंग नहीं लबने चले आ तीन रंग नहीं लबने बीबा तीन रंग नहीं लबने चले आ सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा निमाज बहारा सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा निमाज बहारा सदा ना मापे उसने जवानी सदा नि सोबत यारा तीन रंग नहीं लबने बीबा उसने जवानी दे मापे ओ तीन रंग नहीं लबने चलेया ते
क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया, नजरे उदास दिल भर नहीं कर आस पास दिन रात आह भरना और बेकरार रहना, ये खेल ही बेकार है कुछ भी नहीं अंगार है, इस आग में जले क्यों पल पल जिए मरे क्यों, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्या है हजार इश्क लाखों सनम छुपे हैं और राह देखते हैं, चलो इश्क का कहा मान कर अपना सनम पहचान कर किसी ऐसे रंग रंग जाए सबसे जुदा नजर आए, सबसे जुदा नजर आए, सबसे जुदा नजर आए, हम क्यों चले राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने नहीं कोई गया, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं
ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू वेट करने के लिए इतना ज़्यादा। और इस तरह से हम लोग अपना कार्टून बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। इट्स जस्ट लिटल टाइम टेकिंग, थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन इट्स सो इजी। इसके अलावा दो तीन और मेथड्स हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर भी हम लोग बना सकते हैं ब्रश टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एंड पेन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, मगर फोटोशॉप के अंदर कैसे बनेगा वो हमने इस ट्यूटोरियल में देखा। तकरीबन मुझे ये बनाने में 5 to 6 hours लग गए हैं और मैंने इसको कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको गौर से इन कम से कम वक्त में देख सकें किस तरह से बनाए। मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी और ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और कोई फीडबैक वगैरह आप लोगों ने देना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।